ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण बोलना जिनको इस हम जैसे जगतवासियों को पाखंडियों को जिन्होंने सिखाया, ये धोती पहनना कुर्ता पहनना, नहीं तो आजकल तो हमारा एक स्टूडेंट है राजस्थान के, वो बोला कि मुझे घर में बुला रहे हैं, एक दिन घर में हुआ हूँ माता पिता के मिलने के लिए। मैं बोला जाओ लेकिन इसी पोशाक में जाओ। तो घर में पूछा कि मैं आ रहा हूँ, बोले बेटा ये तिलक मिटा करके टोपी पहन करके पैंट शर्ट पहन करके आओ। मुझे बताया कर बोले पिताजी माताजी बोल रहे हैं कि इस ड्रेस में नहीं इस प्रकार जाने के लिए। मैं बोला उनको पूछो कि इस ड्रेस में जाने से क्या आपका लस क्या है, दिक्कत क्या है। तो उनके पिताजी माताजी बोले कि अगर इस ड्रेस में आएगा तो तुम्हारा बहन का शादी नहीं होगा। हमारा ये समाज में लोग बोलेंगे कि देखो ये बाबा जी बन गया, उनके घर में एक बेटा, उसके घर में उसके बहन का हम शादी कैसे करवाएंगे। मैंने कितने दुखद बात है राजस्थान की, राजस्थान की आजकल आप गूगल में सर्च करो जातीय पोशाक क्या है, राजस्थान की पोशाक ढूंढो तो क्या पोशाक होता है, धोती साफा है कि नहीं। लेकिन अपने संस्कृति को इतने भूल चुके हैं, ये पैंट शर्ट टोपी ये किसका हमारा थोड़ी है, हम देखे नहीं थे जानते नहीं थे इतने, और उसको अपनापन को भूल करके दूसरे को इतनापन जाने हैं, इतने हद तक होते हैं कि शादी नहीं होगा। और अगर शराब पीता दूसरे दुआचारी करता चरित्रहीनता भ्रष्टाचार करता, अरे हमारा लड़का प्रोग्रेस कर रहा है अच्छा कर रहा है, साधु बन गया गया समाज, उनसे तो फिर कोई सम्मान नहीं, उनके घर में बंधुता करने के लिए लोग डरते हैं। लेकिन इसी जो चिंताधारा को परिवर्तन करने के लिए, उनके सामने क्रांति लाने के लिए तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, सादा भोजन करना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, और सड़क में कूद करके हाथ उठा कर हरे कृष्ण कीर्तन करके नाचना, लोग चाहे हमको मजाक उड़ा है खिल्ली उड़ाए कि आप चोटी वाले हैं, चोटी वाला क्या बोलते हैं टकला और क्या क्या बोलें, इस सब को केयरलेसली खातिर ना करके बिल्कुल खुले आम बिल्कुल सेफ्ट हेडेड चोटी कंठी तिलक रख करके चलना, इस प्रकार के आचार व्यवहार ये सब जो सिखाया, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं,
आज से 50 साल ही पहले तो शुरू हुआ, उससे पहले तो कोई था नहीं। उससे पहले हमारे भारतवर्ष के ये सुबह उठना, भगवान को मथा टेकना, मंगल आरती करना, तुलसी पूजन करना, भगवत नाम जप करना, ये तो सब कहाँ आउटडेटेड गांव के कई कमार लोग इसे भूलभाल गए थे। बोले नहीं, ये सब कुछ नहीं, भूल चुके थे। लेकिन उसी को जब विदेश में लेकर न्यूयॉर्क सिटी में ठप्पा लगा करके लाए, पागल की जैसे हम जैसे सब अभी कर रहे हैं, है ना नहीं? तो इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन, इम्पोर्टेड भक्ति जो हमारे देश के चिराचरित प्रथा, भगवान के भक्ति था, संस्कृति जो हमारा खान पान पहन रहन सहन विचार बोली ये सब जो हम छोड़ चुके थे, उसी को विदेश में ले करके ठप्पा लगा करके इम्पोर्टेड करके, हम सब इम्पोर्टेड आइटम चाहते, तो ये भक्ति भी इम्पोर्टेड है, ये मूवमेंट इम्पोर्टेड है, अंग्रेज मंदिर है ये। तो अभी तक भी लोग कृष्ण बलराम मंदिर नहीं कहते हैं, बोलते अंग्रेज मंदिर है। तो इस प्रकार इम्पोर्टेड आइटम भक्ति को इम्पोर्टेड करके, इम्पोर्ट करके ला करके हम लोग को सब आधुनिकीकरण में ऐसे भक्ति संस्कार, तो भारतीय असली कल्चर जो संस्कृति इसी को शिक्षा देने वाले एकमात्र आधुनिक काल के वही प्रसिद्ध आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। वेद के अंत वेदांत कहते हैं, वेद के अंत ही भक्ति, तो इसलिए भक्ति ही वेद का अंत है, इसलिए उनका नाम भक्ति वेदांत। उन्होंने अकेले अपने बल पर अपने वृद्ध उम्र में, वृद्ध वयस में जा करके विदेश में जो कुछ ही समय में पूरे विश्व में जो सृष्टि किए ये आंदोलन, और वो करते समय कह गए कि अगर कोई रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, मेरे शिक्षा को कोई फॉलो करेंगे कोई एक भी 10,000 साल तक कुछ कमी नहीं पड़ेगा। और उन्हें भरोसा करके कहते, बोले आप कैसे किसी बल पर कहते हैं? बोले मैं इसी बल पर कहता हूँ, भागवत प्रमाण है कि प्रहलाद महाराज के ज़माने में, प्रहलाद महाराज एक हिरण्यकशिपु महाराज के पुत्र थे, 5 साल के उम्र में उन्होंने का अंदर पूर्ण भक्ति दिखाया गया, सारे भक्ति का अंग पालन कर रहे थे, और उस समय पूरे साम्राज्य पूरे कंट्री में कोई डिवोटी नहीं थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु का राज था, कोई भगवान के पूजन करेगा कुछ करेगा उसको तुरंत एक्शन हो जाएगा, इमीडिएट एक्शन, जेल हो जाएगा, प्राणदंड हो जाता था। लेकिन उन्हीं के बेटा भक्त बन गए, और एक ही पूरे राज्य में एक ही भक्त था, और उसके ऊपर राजद्रोही करके घोषित करके उनको प्राणदंड दिया गया, और उसको मार ना पाए, पूरे देश ही हताश हो गया उनके साथ में लड़ लड़ करके। एक ही लड़का 5 साल का, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, सहायता नहीं, सहायक नहीं, कुछ नहीं, पूरे साम्राज्य त्रिलोक विजयी हिरण्यकशिपु मथा टेक कर रह गया, हाथ उठाकर रह गया, कुछ कर नहीं पाया, वो जीत करके रहे। प्रभुपाद बोले मैं इसी के भरोसा पर कहता हूँ, अगर कोई भी मैं भगवान की शुद्ध भक्ति की शिक्षा को ठीक से सीखा पालन किया, तो फिर मेरे मूवमेंट को भी हार नहीं सकता, बहुत गति से बढ़ते चले जाएगा। तो एक नहीं, जितने अधिक श्रद्धालु उनको फॉलो करेंगे इतने द्रुत गति में बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि इसी वृंदावन धाम में 1977 में उस महामानव की परम धाम को गति हुआ था, अपने नित्य लीला में प्रवेश किए थे, और आज 46 ईयर हो गया, 46 साल के पहले की घटना। 46 साल में, 46 साल पहले जब श्री प्रभुपाद थे, तब पूरे भारतवर्ष में ले दे करके 4 मंदिर था, बाकी 108 मंदिर से 104 मंदिर विदेश में था, भारतवर्ष में 4 ही मंदिर था। और आज 46 साल के बाद में पूरे भारतवर्ष में लगभग 50 टेम्पल है, और सैकड़ों से अधिक केंद्र है। तो इतने द्रुत प्राय देखा जाता है कोई बड़े बड़े संप्रदाय में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो फाउंडर आचार्य चले जाते हैं तो कोलैप्स हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ जाता है, मिट जाता है, टूट जाता है, सब खत्म हो जाता है, और रहे नहीं तो कौन संभाले।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी की भक्ति की प्रबलता इतना था, इतने एनर्जी था कि वो जाने के बाद में कितने गुना बढ़ता है, 40 साल में 40 गुना बढ़ चुका, इतने तेजी से बढ़ता है। तो इनके भक्ति के प्रताप है, उन्होंने जो किए थे 10 साल उन्होंने किए, अब ये चलता रहेगा, इतने तेजी से बढ़ता है। तो ये महापुरुष जो इस आधुनिक जगत का जगत गुरु है, विश्व गुरु है, जिनने अपने कितने कठिनाई को स्वीकार करके पूरे विश्व में इस कृष्ण भक्ति के प्रचार किए और हर समय अपना नाम न देकर केवल कृष्ण के गुरु की प्रसन्नता, उनके नाम को बड़ाई करते थे। तो इसीलिए भगवान वो जाने के बाद में उनका बड़ाई करने लगे, पूरे जगत में जय जयकार होता है। आज के दिन पूरे विश्व में कोने कोने में प्रभुपाद जी को एक विश्व के महान आचार्य रूप में मानते हैं, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान महात्मा भी मानते हैं कि हाँ ये तो मानना पड़ेगा, ये अति न भूतो न भविष्यति ऐसे अद्भुत कार्य करके देखा है, उन्होंने कर चुके हैं। और ये केवल किए थे उन्होंने भक्ति के बल पर। और उनका क्या था, एक वृद्ध व्यक्ति जो श्रीमती मुरारजी उनको बोले प्रभुपाद आप मेरे पिता की समान है, एज के हैं, आप मुझे बोलते हैं विदेश जाने के लिए, मैं मदद करूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। वृद्ध अवस्था में 70 साल की उम्र में लोग अपने घर बाड़ी छोड़ करके वृंदावन आते हैं, बोले शरीर यही छोड़ूंगा, है कि नहीं, जमुना जी में शरीर जाए, जो क्या किया जीवन भर अंत समय में वृंदावन में शरीर है ना, नहीं ये एक गीत बोलते हैं ना, क्या इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, जमुना जी के तट को बंसी के बट हो और क्या घटो, क्या क्या सब लिस्ट बनाते हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन लिस्ट अप, लेकिन लोग आते हैं। लेकिन इस उम्र में वो वृंदावन में रहते थे जमुना तट पर राधा दामोदर मंदिर में, और उसको छोड़ कर विदेश आना चाहते थे। उन्होंने श्रीमती मुरारजी बोला बाबा आपको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे गुरुतुल्य आप है, पितृतुल्य है, मैं कैसे आपको मृत्यु की राह पर भेज दूँ, समुद्री जहाज में जाएंगे रास्ता में ही मर जाएंगे, आपका संस्कार नहीं होगा, समाधि करने के लिए कोई नहीं होंगे। उन्हें रोकर मना कर दिया, मुझे इससे ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अब फ्लाइट में जाने के लिए तो उनका अवस्था नहीं था, वो ये मालवाही जहाज में समुद्र जाना चाहते, बोले इसी में व्यवस्था कर दो, मैं माल के कार्टून फाटून के साइड में बैठ कर ही चला जाऊँगा। देखिए क्या इच्छा था, हमको अगर ऋषि बोले मालगाड़ी में चला चले जाएंगे, नहीं कन्फर्मेशन टिकट नहीं नहीं जाए, केवल जाने के आने का टिकट कन्फर्मेशन नहीं जाएंगे, एसी में होने से नहीं जाएंगे, सेकंड एसी फास्ट एसी हो तब जाएंगे। लेकिन उन्होंने गुड्स मालवाही जहाज माल के साथ बैठकर जाने के लिए तैयार थे, इतने वृद्ध व्यक्ति 70 साल के वो तैयार थे। और एक महीना का जर्नी, अरे 24 घंटा, ओ नो टू मच, मैं नहीं जा सकता, कोई ट्रेन अगर 24 घंटा था कोई नहीं जाना पसंद करता, इसलिए फ्लाइट में जाएंगे। और ये 24 दिन भी नहीं, 36 दिन था, रात दिन मिल करके समुद्र में चलना। और समुद्र में चलना आप लोग में से कई गए कि नहीं पता नहीं, जो गए होंगे नाचते रहेंगे इसे ऐसे होते रहेंगे, जो जो नेभी जो समुद्र में गए होंगे ना कुछ दिन, तो लोग घर में नॉर्मल रहते हैं, इसी से सर हलता उनका, बोले इसे से क्योंकि ना दिन भर हमारे ऐसे ही होता था, क्योंकि समुद्र तरंगायित होता है उसमें जो रहते हैं ना, तो हमेशा हाथ पर हिलता है सर हिलता रहता है, हिलता रहता है। तो इसलिए नॉर्मल घर में आने पर भी उनका हाथ पैर सर हिलता रहता, क्योंकि 24 घंटे इसी में रहते थे वो। तो इस प्रकार करने वाले इसी अवस्था में, तो जो नहीं जानते उसमें जाने से बीमार हो जाते हैं, सी सिकनेस बोलते हैं उनको, तो इसी में जाने के लिए तैयार हुए और जिद पकड़े थे। इसलिए मुरारजी आप यहाँ हट कर बैठो, उनके सामने इधर आ जाओ, उनके सामने बैठने का, तो उनको राजी नहीं होते थे टिकट देने के लिए, मत जाइए बाबा जी। प्रभुपाद जी ने बम्बई में जुहू में उनका ऑफिस था, बोले नहीं, वो देखे कि अगर मैनेजर ने श्रीमती मुरारजी ने राजी नहीं हो रहा है और तुम्हारे क्या उपाय नहीं, फ्लाइट में जा नहीं सकता, यही एक ही उपाय है, वो माता जी अगर हेल्प नहीं करेगी
तो मैं विदेश जा नहीं सकेगी, मेरे गुरु के आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिद पकड़ के खाना पीना छोड़ करके उनके ऑफिस के सामने धरना दे दी, स्ट्राइक। 3 बजे चौकसी उनका सेक्रेटरी था मुरारजी का, वो आकर बोला बूढ़ा तो बैठा है गेट पर, नीचे बैठ गए गमछा डाल कर वहीं बैठ गया। बोला उनको पूछा जाके पूछो क्या चाहिए खाना पीना, बोले मैं खाऊंगा नहीं निराहार स्ट्राइक धरना देकर बैठा। तो माता जी ने बुलाया, बोला बुलाओ उनको, अरे सुबह से 3 बजे का बैठे लंच नहीं खाना ना, बैठे धरना लेकर। बुला के पूछे स्वामी जी क्यों ऐसा क्या करें। स्वामी जी रो रो करके एक लेटर लिखे थे, लिख कर उनके सामने दिए। क्या लिखे थे मालूम है? लिखे कि मैं हाथ काट करके साइन करके लिख करके देता हूँ, मैं अगर मर भी जाऊँ कि मेरा कुछ भी होगा आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको बहुत बहुत पुण्य मेरा आशीर्वाद लगेगा। अगर मैं मेरे गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए मर भी जाऊँ रास्ता में तो ही मेरे जीवन की सार्थकता है, यहाँ वृंदावन में रहकर मरने से कई बड़ा बात है। तो इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगा, पाप नहीं लगेगा, मुझे भेज दीजिए, इस सहन कर दे। तो उसको पढ़ करके श्रीमती मुरारजी बोला क्या कह सकते हैं ये तो पूरा। तो फिर उन्होंने और उसका कोई जवाब ही नहीं था, तो फिर उन्होंने लिख करके साइन करके कालकाटा से शिप जाता जलदूत, ये सभी जहाज का नाम जलदूत नहीं था, उनके सिंधिया स्टीमशिप कंपनी था, इस कंपनी में एक ही जहाज था जिसका नाम था जलदूत, क्योंकि वो दूत ही जा रहे थे जलपथ में। दूत जानते हैं दूत शब्द का अर्थ क्या है? दूत मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के समय में जो संवाद वाहक होते हैं, बड़े बड़े संवाद राजाओं के संवाद दूसरे राज्य के राजा के पास ले जाते हैं, उनको दूत बोला जाता था, ये दूत है संवाद वाहक। और ये भारतवर्ष के सबसे विशेष संवाद वैदिक ज्ञान को ये विश्व को ले जाना चाहते थे इसलिए दूत थे, और जलमार्ग में ले जाने चाहते थे इसलिए जलदूत है। तो जलदूत में बैठ करके गए, आगे चल करते बहुत बढ़ना आते जाते समय उनका 2 बार हार्ट अटैक होता है। सेकंड टाइम तो कृष्ण आकर उनको सपने बोलते हैं कि भक्ति वेदांत डर मत, मैं शिप लेकर जा रहा हूँ, सपने में बोले। और प्रभुपाद जब उनका चेतना आया, जो शिप का मैनेजर था कैप्टन पांडे, वो घोषणा कर दिया, बोला बुढ़े गए अब क्या करेंगे, यहाँ तो समाधि जल समाधि समुद्र में फेंक देंगे और क्या करेंगे। वेट कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरा जा चुका था, शरीर शांत हो चुका था, दोबारा हार्ट बीट हो धीरे धीरे आया आया आया, होश आया, फिर बात की सब बड़े ही थे, आप फिर आ गए ना, हम बच गया। बोले इस बार मैंने ही बचा था, कृष्ण ने बचाए। और उसके बाद से तो बोलते हैं कि जो प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन जो सबसे दुर्दांत ओशन था, बहुत हलचल मस्ता था, वो इतने शांत था। तो कैप्टन पांडे बोलते हैं स्वामी जी हमेशा आप हमारा शिप में रहिए, आप समुद्र में रहने से समुद्र नदी बन जाता है, शांत हो जाता है। तो समुद्र शांत बन गया था प्रभुपाद जी के भक्ति के प्रताप से, कृष्ण ने शांत कर दिए थे, अटलांटिक महासागर को शांत कर दिए, प्रशांत महासागर को शांत कर दिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ले जा रहे थे, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार लेकर गए थे। तो उनके साथ में हमेशा कृष्ण थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृपा चीज को कोई जानते हैं कैसा होता है? ये लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है? कृपा है क्या चीज? प्रभु जी कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कोई देखे नहीं, कैसे वस्तु होता है? कोई बाजार में मिलता भी तो है नहीं, कृपा है क्या? कैरी बैग में लेकर जाएं या बॉटल में लेकर जाएं? लेकिन कृपा हम कोई देखे नहीं, जानते नहीं, पहचाने नहीं, लेकिन कृपा के घन विग्रह कृष्ण की कृपा के श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद है। उनके नख से सिक तक कृष्ण की कृपा भरा हुआ था, किसी को देख लेके लेते थे उनको अंदर कृष्ण भक्ति आ जाता था, जैसे कोई इंजेक्शन देने से हो जाता ना, दृष्टि मात्र से भक्त किसके लिए एक मुस्कान कर दिए हंस दिए बदल गया उनका जीवन, किसके लिए ऐसे कर दिए छोटे छोटे बच्चे को ऐसे हाथ में स्पर्श कर देते उनका जीवन बदल गया, किसी को जूते में ठुकरा देते थे उनका जीवन बदल गया, ऐसे ऐसे, क्योंकि पूरे नख से सिक तक लबालब भरा था कृष्ण की कृपा, हर अंग से हर व्यवहार से हर बातों से
निकल रहा था, भक्ति कृष्ण कृपा निकल रहा था, तो कृपा प्रसारित करके सारे जगत में 10 साल के अंदर 10,000 लोगों को जीवन बदल दिए। बदलने में काल भी बता रहा था, कपड़ा उतार दिए, बाल उतार दिए, एक छोटी बात है। कलयुग में सुंदरता के परिमाप हेयर स्टाइल करते ना, और हेयर को उठा दिए, कोई बाल काटने के लिए तैयार होगा आजकल के लड़के? लेकिन सारे बिल्कुल शेव्ड हेड, विदेशी लोग चकाचक बिल्कुल बाल सेव करके धोती पहनकर जब नाचते थे, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि बोल, वो बेचारे जानते नहीं हो क्या बोलते हैं, ये शब्द का अर्थ उनके पता नहीं था उनको। एक प्रभुपाद जी के डिसिपल हम बता रहे थे, हमको मालूम नहीं था ये होता क्या, गौर नित्यानंद बोल क्या होता है, हरि बोल क्या होता है, कुछ नहीं पता था उनको। बोले स्वामी जी से क्या, बोले यही बोलो और नाचो, अच्छा लगता था, हमें कूदते थे। पहले ज़माने में जब 70s में ना कोई बुक था, ना कोई मेम्बरशिप था, ना कोई विग्रह थे, कुछ नहीं था। जब शुरू शुरू में यंग लड़के लड़की जुड़े थे खूब प्रभुपाद जी के गुलाब जामुन के चक्कर में, अब जुड़े थे लेकिन करेंगे क्या, दिन में 3 बार जाते थे कीर्तन करने के लिए, सुबह दोपहर और शाम, फिर सो जाते, 3 बार 2 बार 3 बार भेजते थे स्ट्रिक्ट कीर्तन, नगर में कीर्तन करके आओ, नाच कूद करके 1-2 घंटा, फिर खाओ रेस्ट करो, फिर जाओ, फिर सुनो। तो कीर्तन में हरे कृष्ण मंत्र और नहीं तो यही बोलते थे, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, उनको जानते नहीं थे, स्वामी जी सिखाते नाचते थे उसको गा कर आते थे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन एक बार जाता था, देखा ये यंग लड़का लड़की बड़े आनंद से हाथ उठाकर नाचते हैं और बड़े सुर से गाते हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोक कर देखा, बोले बोलते क्या हो, उनको समझ में नहीं आया कुछ, बोलते हैं बड़े मजा से नाचते हैं। तो गाड़ी उनको रुक कर पूछा, ये क्या बोलते हैं, नाम की पता नहीं क्या बोलते हैं, स्वामी जी ने हमको सिखाया ये बोलते हैं हमने, क्योंकि वो बहुत बड़े फैक्ट्री के ओनर था, उनके जीवन में इतना नाचना इतना खुशी कभी नहीं महसूस किया था, इतने सुखी भी हो सकते हैं, मैं तो इतने पैसा कमाता हूँ, इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हूँ, लेकिन अभी तक इतने सुख महसूस नहीं किया। अरे ये यंग लड़के लड़के कौन सा कंपनी में काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं, कितना पैकेज है उनका, इतनी मजा करके नाचते हैं सड़क में, इतने सुखी है, कितने पैकेज का नौकरी है। उन रुककर पूछा, बोले हम जो नौकरी बुकी थे छोड़ दिए हैं, कोई पढ़ाई छोड़ दिया है, कोई जॉब छोड़ दिया है। बोले क्या, पढ़ाई छोड़ दिए, जॉब छोड़ दिए, बोले घर भी छोड़ दिए, कोई घर नहीं परिवार से छोड़कर बैठे। बोले फिर भी ऐसे इतने मजा से नाचते हैं गाते हैं ना, हाँ वो तो सोच भी नहीं पा रहा था, बोले ऐसे कैसे हो सकता, कोई घर से किसी को निकाल दे, स्कूल से कोई कॉलेज से निकाल दे, जब छूट जाए तो महीना दिन रो रो करके मर जाएगा खाना पीना छोड़ के, है कि नहीं। लेकिन उनका जब चला गया और नाचते हैं गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, जब छोड़कर घर छोड़ना, तो वो तो समझ में नहीं आया। बोला खाते कैसे ना, हम तो जब से जीव उठा तब से जो नहीं खा रहे थे अभी ये खा रहे हैं। बोला क्या, बोला हम बता नहीं सकते क्या खाते, चलिए अब टेस्ट करना है। तो वो गाड़ी लेते थे उन्होंने पीछे पीछे गया, जो सेंटर था पहुँचे, दोपहर जो हाथ पर धोए और प्रभुपाद जी ने बना करके प्रसाद रेडी किए थे, प्रभुपाद जी के हाथ के बना हुआ प्रसाद, समोसा गुलाब जामुन कचौड़ी, उसको जब वो खाया उनका तो स्वप्न साकार हो गया, सपने कभी दिखाई नहीं था ऐसे खाना, वो पागल हो गया। आ करके पूछा, नन ऑफ दिस बॉयज एंड गर्ल्स, बोले किसी ने बोलते हैं कि कोई एकदम जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कमाई नहीं कर रहे हैं, कोई घरबाड़ी नहीं है, ऐसा अद्भुत खाना जो हम कभी सुने नहीं थे, चखे नहीं थे, खाए नहीं थे, कैसे मिलते, आप कहाँ से इतने से कम। बोले मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं भिखारी हूँ, मैं तो भारत से आया था 40 रुपया लेकर के। नो इम्पॉसिबल, कैसे ऐसे करते हैं, इससे मजा से खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो मैं इतने साल से इतने बड़े फैक्ट्री ओनर हूँ, कभी इतने में सुखी नहीं हुआ कि नाचूं गाऊं, वो तो सब छोड़ छाड़ के नाच रहे हैं। बोले आप ऐसा होना चाहते हैं ना, कौन नहीं चाहेगा, आ जाओ, हमारा डरो को नहीं, ना क्या करना है, ना फैक्ट्री छोड़ दो, आ जाओ, गाड़ी छोड़ दो, फैक्ट्री छोड़ दो, आ जाओ,
ना छोड़ना पड़ेगा ना, पहले छोड़ना पड़ेगा तब फिर, तो बोला मैं सोचूंगा। तो लोग को विश्वास नहीं होता है। प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी सच में रहस्य का? रहस्य कुछ नहीं, कृष्ण ने दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं उनका रहने का, खाने का, पहनने का, उनके समझ का, उनका सब कुछ कृष्ण दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, आप फंसे हुए, आप छोड़ छाड़ के आ जाओ, फिर आपको ही पता चलेगा कितने आनंद है। तो इस प्रकार कृष्ण की कृपा को कैसे वितरण कर रहे थे, कितने कितने जीवन को परिवर्तन किए, है कि नहीं? क्या क्या होते अगर आज प्रभुपाद ना होते तो क्या होता स्थिति। तो आज ऐसे महान व्यक्तियों, जो आचार्य हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति के धरोहर, जो भगवान की भक्ति बड़े सरल रूप से, बहुत सिंपल करके इतनी नीति से बना दिए, हजारों संख्या में लोग नौकरी चाकरी पढ़ाई काम धंधा परिवार के साथ में अपने जीवन को सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार के नीति पर जीते हैं, तो सुखी रहते हैं। हमारे आचार्य तो यही कहते हैं कि आमी कृष्णदास यही विश्वास कर ले आर दुख नहीं, केवल इतना ही कोई मान ले मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे मालिक है, मालिक जो करेगा मुझे वही मानना पड़ेगा, मैं अपने आप को क्यों जवाबदारी लूँ। जब वही देख रहे हैं हर एक चीज़ के पीछे कृष्ण को हाथ को जो देखेगा, जो महसूस करेगा, फिर उसके दुख क्या है? वित्त राग भय क्रोध, उसके जीवन में कोई क्रोध नहीं, भय नहीं, दुख नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के जीवन जीने का फर्मूला जो सिखाए जगत में, और वो भी अपने मनमानी नहीं, गीता भागवत के आधार पर, भगवान की शिक्षा के इच्छा के आधार पर। तो इस प्रकार से आधुनिक जगत के जगत गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के आज तिरुभाव तिथि, इसी वृंदावन धाम में उन्होंने अपने लीला में प्रवेश किए। तो इसलिए ये संस्था और हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही विशेष तिथि है। तो हम सभी हृदय की अंतरतम प्रदेश से उनके श्री चरण में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, प्रार्थना सब कुछ ज्ञापन करते हैं, ताकि उनका कृपा हमेशा बने रहे, ताकि इस जीवन में क्या जन्म जन्म तक उनके कृपा को ना भूलूं, हमेशा याद रहे। अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे मिस्तु भवत प्रसादात। हे प्रभु, आपके कृपा से आपको मैं कभी ना भूलूं, बाकी तो सब चलता रहता है, आपको भूल जाने से नमक हरम हो जाएगा। हमेशा आपके कृपा को याद करते रहूं, कि जो कुछ आज है, जो कुछ होता है और होगा, सब कुछ आपकी कृपा के प्रताप है, इसको हमेशा याद रहे। यही कृष्ण के उपासृताम, कृष्ण कहते हैं कि मेरा आश्रय में कोई आता है, कोई आ पाता नहीं आ पाता, लेकिन जो मेरे आश्रय में आया है उनका आश्रय में कोई आ जाए तो उनका तो गारंटी है। तो इसलिए प्रभुपाद के आश्रय होना यही वास्तविक उपासित है, गारंटेड पथ है, निश्चित सिद्धि है। तो आज ऐसे महान आचार्यों की तिथि, तो आप लोग इसी वृंदावन धाम में उनको स्मरण कीजिए। जिंदगी भर स्मरण करना पड़ेगा, लेकिन आज दिन तो विशेष तिथि है, तो उनके कृपा को बटोरने के लिए, जितने लेने के लिए वृंदावन धाम में उनको याद करते रहिए, उनको सम्मान करते रहिए, और अपने प्रार्थना में उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते रहिए। चलिए अपने प्रसंग दामोदर अष्टक का प्रथम श्लोक के काल चर्चा किए थे, पूरा नहीं हुआ था, दो लाइन किए थे, दो लाइन और बाकी है, उसके बाद दूसरा श्लोक में जाएंगे। पहला श्लोक में जो पूर्ण था कि नमामि स्वरं सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम, यहाँ तक गए थे काल, है ना? नहीं, यही तक गए थे ना, हम कहे थे कि चमचमाते हुए कुंडल के सौभाग्य को तो देखो, ये भगवान के कपोल को चुमता रहता है, इसलिए जितने अलंकार शरीर में होता, सबसे वरिष्ठ, सबसे सौभाग्यशाली, श्रेष्ठ अलंकार इस कंकण को माना जाएगा। कान के अंदर टंगे रह करके गाल को चुमता रहता है, और जितने भागते रहते हैं इतने ज़्यादा हिलता रहता है। तो उनके सौभाग्य को आचार्य देखते हैं,
कि देखो कितने महासौभाग्य है, प्रभु कुछ मन करता रहता है दिन भर कितने, और कितने उनकी सुंदरता है, उनके अंदर जो चमचमाहट जो चमकता आता है केवल भगवान के शरीर के अलंकार रूप में होने के कारण ही उनके अंदर सुंदरता बढ़ गया है। इस प्रकार कहते हैं लसत कुंडलम। आगे कहते हैं गोकुले भ्राजमानम। इस शब्द में मानो जो प्रार्थ्य वस्तु जिनको हम प्रार्थना करते हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को, जिनको माँ ने पकड़ा, नमामि स्वरम, जो ईश्वर को प्रार्थना करते वही प्रार्थ्य वस्तु है। प्रार्थ्य वस्तु का गोकुले भ्राजमानम मतलब अपने परिवार उत्कर्षता, उनके स्थान के उत्कर्षता को बताते हैं। परिवार क्या, उनके परिवार गोप गोपी हैं और गोकुल गांव में रहते हैं। इस गोकुल गांव में वो भागते रहते, गोकुल के गलिये में। गोकुले भ्राजमानम, गोकुल मतलब वो गांव है जिसमें गाय ही प्रचुर परिमाण में। ये गाड़ी नहीं अड़ी कार की, ये कार वो कार, कोई कार फार नहीं, वो सब काव थे, कार नहीं थे, काव थे। तो गोकुल, तो गोकुल कहने से गांव की गाय की प्रचुरता है और गो सेवक ग्वाले और ग्वालिन की प्रचुरता है, यहाँ पर भगवान रहते हैं गोकुल। इस प्रकार गाय रहने वाले जगह में जहाँ गाय प्रचुर रहते, जहाँ और गोप गोपी ग्वाल ग्वालिन रहते हैं, उसी के गली में भगवान भाग रहे थे। इसलिए उनका परिवार भी गोप गोपियाँ के परिवार है, गायों के साथ रहते हैं। गोकुले भ्राजमानम, भ्राजमानम मतलब भागते रहते हैं, गोकुल में भागते हैं, और कहीं नहीं भागते। लोई बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में, न्यूयॉर्क सिटी में, कि होली मार्केट में, नहीं, कहाँ भागते हैं, जहाँ गाय बछड़े गोबर गोमूत्र गोप गोपी यही सब चीज हैं, यही भागते हैं। इसलिए उनका विशेषता, इनका महिमा प्रकाश करते हैं, विशेष प्रकाश। गोकुले भ्राजमान, वो जो सच्चिदानंदमय ईश्वर है, वो जहाँ गोबर गोमूत्र कीचड़ है, जहाँ गाय बछड़ा रहते हैं, जहाँ गोप गोपी रहते हैं, उस गांव के कॉलोनी में गली में भागता रहता है गोकुले भ्राजमानम। इसलिए उनके परिवार का विशेषता उत्कर्ष को बताते हुए गोकुले भ्राजमानम आगे कहते हैं गोकुले भ्राजमानम। जसोदा भियालु, जसोदा भियालु शब्द कहते हैं। अच्छा, जसोदा एक ग्वालिन है, गोपी है, वो कह सकते हैं गोपी का नाम कह सकते हैं, लेकिन जसोदा नाम क्यों बोलते हैं? वो नाम लेकर के गोपी बोल सकते थे, बोलते नहीं, जसोदा कह करके, जसोदा माँ, जसोदा नंदन है, तो इसलिए माँ के वात्सल्य के प्रभाव की उत्कर्षता को बताते हैं। वो एक सामान्य गोपी नहीं है, ये जसोदा है, उनके माँ है, उनके अंदर मातृत्व स्नेह पूरा भरा पड़ा है। और जसोदा भियालु मतलब जसोदा माँ के भय से उखला धावमानम। उखल में कल बताया था, उखल मतलब जो मसला पीसने वाला, जो नीचे वाला होता है ना, जिसके अंदर रखते हैं, जिसके अंदर कूटते हैं, कूटने वाला जो बकेट जैसा होता है, छोटा सा लोहे का वो, तो उसी को माँ ने पलट कर रख दिया था। मतलब कुछ मसला पीसा था फेस्टिवल के लिए, कुछ मसला मतलब पीसा था, धो करके पलट करके रख दिया था, तो पहले से पलटा हुआ था, उसी के ऊपर चढ़ गए थे, उसको उदखल बोलते हैं। उसके ऊपर चढ़ के, उखला चढ़ करके, उसी से कूद करके भागे। ये लीला को श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन है। ये घटना 8, 9 और 10 इन 3 श्लोक में इसको सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए, इस पद को, कि क्यों क्या घटना हुआ था जिसके कारण साक्षात परमेश्वर भगवान जसोदा के भय से उखल से कूद करके गोकुल गली में भाग रहे थे, और उनको पकड़ करके जसोदा भियालु गोकुल द्रुतगत्या परामृष्टम, परामृष्ट मतलब उनको पीछे द्रुत गति में भागकर जाकर पीछे से पकड़ लिया। बोले क्या पीछे रहस्य, क्यों ऐसा हुआ? तो सुखदेव जी गोस्वामी पूरा हिस्ट्री वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि जसोदा माँ के पास
उल्हाना बहुत आता था, कंप्लेन बहुत आता था। गांव के गोपियां कंप्लेन करती थी कि जसोदा अब हम ब्रज में रह नहीं सकेंगे, कितने दही दूध नुकसान सहेंगे एक आध दिन हो। अरे वो खाता खाता भी नहीं, थोड़ा मुँह में लगाता है ना, मटका फटका तोड़ करके नष्ट भ्रष्ट करता है, बछड़ा खोल देता है, बच्चों को चिटियाँ उनको रुलाता है, और किसके घर में अगर कुछ नहीं मिला मल मूत्र त्याग करके घर को अपवित्र करके आता है। तो इसलिए डेली डेली ऐसा होता तो हम, आप तो रानी हो, आप कुछ नहीं करेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे, दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ेगा। इस प्रकार से बार बार कंप्लेन करते थे। माँ जसोदा सोचती थी क्यों चोरी करेगा, घर में जब इतने हैं क्यों चोरी करेगा। तो विचार मन में आया, हो सकता है कि हमारे घर के मक्खन का क्वालिटी इतना अच्छा ना होगा, क्वांटिटी तो है क्वालिटी नहीं अच्छा होगा, क्योंकि हमारा घर में नौकर चाकर दास दासी बनाते हैं और दूसरे घर में अपना घर के चीज़ें घर वाले बनाते हैं खुद, कोई उनका नौकर नहीं है। तो दास दासी तो पेमेंट पर काम करते हैं, ड्यूटी बाउंड, वो ढंग से क्वालिटी काम नहीं करते। हो सकता है इसी वजह से हमारा घर का मक्खन खट्टा है, ताज़ा नहीं है, दूसरे के घर में मीठा मक्खन है, इसलिए उनका घर में खाना चाहता, चोरी करके खाता है। तो कभी कभी माँ जसोदा जब बोलते थे, बोले अरे गोपी जब तुम्हारा घर में मेरे बेटा चल जाता खाने के लिए, मेरे तो एक ही बेटा है, कितना खा लिया, 2-5 किलो 10 किलो तो नहीं? ना नहीं, 50 इतना ही खाता है। बोला थोड़ा उनको दे देना चाहिए, दौड़ते भागता जाता है, इसे घर में खा पी कर जाता है, अगर कोई भूख लगता थोड़ा घर में आता तो आप क्यों नहीं दे देते, थोड़ा उसको प्लेट में दे देता, लाला बोटा खा लो, आपका क्या कमी हो जाता। बोला जसोदा रानी आप क्या बोलते हैं, आपका जितने स्नेह प्रेम है लाला के प्रति, हमारा भी कुछ कम नहीं है। वो तो देख करके दूर से बोला के लाला माखन खाएगा, ताज़ा माखन लो, मीठा लो, हमको देते हैं, वो मांगने से पहले हम देते हैं, ना तो फिर क्यों चोरी करेगा, न लेता नहीं, हम देते हैं तो बोलता है मैं भिखारी हूँ क्या, मैं राजा का बेटा हूँ, भीख मांग कर खाऊंगा, मुझे दे रहा है माखन, मेरे घर में कमी है क्या, ट्रक लोड माखन हमारे घर में है, मुझे माखन दे रहा है, माखन खा लो, हम भिखारी है तो नहीं खाएगा, हम वापस ले आएंगे, फिर आएगा चोरी करने खाएगा। तो हम पूछेंगे भैया हम दे रहे थे क्यों नहीं खाया, ना मैं मांग कर क्यों खाऊंगा, भिखारी थोड़ी हूँ मैं, अपने परिश्रम करके खाऊंगा, अपने कमाई में खा रहा हूँ, चोरी करने को अपना परिश्रम अपना कमाई मानता है। बोला मेहनत किया, मैं मेहनत का अपना मेहनत का खाया, आपसे मांग कर तो नहीं खाया। बोलते बड़ी मेहनत करता हूँ मैंने, खाता हूँ। बोलते छिपा कर रख लो। बोले छिपा कर तो रखते हैं। बोले पता कैसे चलता है उसको। बोले मेरे बेटा उनके गैंग में है, अब क्या करे, रिपोर्ट सब मिलता है उनको। हमारे घर के बेटा उनके मेंबर है। उनके पार्टी का, उनके पार्टी सब बता देता है उनको। तो इस प्रकार कंप्लेन आता था। तो जसोदा इसी को लेकर के सोचा कि किसी दिन मैंने खुद अपना हाथ से बनाऊंगा, बिल्कुल हैंडमेड मैंने स्वयं बनाऊंगा माखन, पूरी सतर्कता के साथ, बिल्कुल ताज़ा मीठा माखन बढ़िया दूध से, फिर देखूंगा कि मलाला इतने बढ़िया माखन क्वालिटी को फिर दूसरे घर में कभी नहीं जाएगा खाने के लिए। तो इसलिए कई बार उन्होंने प्रयास किया, स्वयं दूध दूधा था, ऐसे कुछ 10 गाय थे जिसको पद्मगंधा, पद्म फूल के, कमल फूल के जैसा सुगंध निकलता था उनको दूध से, इसे पद्मगंधा गाय को दूध निकाल करके सोने के मटका से ला करके गर्म करता था, उसमें दही जमा करके उसको स्वयं मथना चाहता था, लेकिन कभी मथने का चांस नहीं था, घर में सैकड़ों दास दासियां हैं, बोलेंगे हम मर जाएंगे, मर जाने के बाद में तू काम करना, मैं हम जब तक हैं तुझे काम नहीं कर सकता। हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, जसोदा को अपना काम करने नहीं दिए, बोले हमको डांट दो, मारो, पीटो, हम नहीं करेंगे, हम होते होते आप काम करोगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जसोदा थक गए, बोले मैं क्या करूं, मेरे हाथ से मेरे बेटे के लिए बनाना चाहता हूं लेकिन कर ही नहीं सकता। तो साल में एक दिन चांस मिला उनको, जब दीपावली का उत्सव था, इंद्र यज्ञ के अवसर था, पूरे अनुअल फेस्टिवल था गोकुल में, सारे लोग बिजी थे, बहुत प्रकार के काम था, सामान उठा करके वो फेस्टिवल ग्राउंड में ले जाना था, तो नौकर चाकर जितने दास दास सबको इसी काम में लगा दिया था, कर्मांतर सब इसी में सेवा में लगा दिया, घर में अकेली थी। बोले आज मेरे पास चांस है, मैंने खुद अपने हाथ से दही मंथ करके मक्खन निकालूंगी। तो इसीलिए मक्खन दही मंथने के लिए धूप उठ जाएगी तो खट्टा हो जाएगा,
इसलिए बिल्कुल भोर भोर में उठ करके मथन मक्खन गूंथती थी, दही मंथन करती थी, लग गई थी दही मंथन में, और जो काल के लिए उसके दूध गर्म कर रही थी उनके सामने। दही मंथन करते समय में बोलते हैं कि अकेली पहली बार मंथन जानती थी, घर में अपने बेटी के समय में प्रैक्टिस की थी। आजकल तो सब कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, स्मार्टफोन चलाना सीखते हैं, लेकिन तभी जमाने में लड़कियां कुकिंग करना, गोबर कंडा करना, कैसे लकड़ी के जलाकर कुकिंग करे, दधी मंथन करे, माखन निकाले, घी मनाए, ये सब उनका ट्रेनिंग था। इसके ऊपर डिग्री करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, लेकिन आजकल तो कुछ ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सो डिवोर्स होता है, घर में जाता है रोटी पकाना आता ही नहीं, सब्जी बनाना आता ही नहीं, क्या करें। तो ये सब सीख कर आते। तो माँ जसमता इसमें एक्सपर्ट थी, दही दूध बनाना, उनको मंथन करना, तो लेकिन कभी की नहीं थी। जब से कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण कभी नहीं देखे कि माँ को काम करते हुए, वह सनोकर चाहते। और जब भी कृष्ण सोते थे, माँ जसमती ने उनको लोरी सुना करके थपड़ थपड़ थपाते आराम से बड़े स्नेह से पास में सोकर सुलाती थी। फिर उठने से पहले, बेटा उठ, ये उठते गीत आता ना, उठी उठी गोपाल, जानते ना नहीं आ? तो उतिष्ठ उतिष्ठ गोविंद उतिष्ठ गरुड़ ध्वज, है ना नहीं। तो ये सब लोरी गा करके, गीत गा करके उनको उठाती है। उठाते ही भगवान को स्नान पान कर, ये सब पास में सो करके मैया का ड्यूटी था, मॉर्निंग ड्यूटी, मंगल समय भगवान को उठाती है। अब भगवान सूर्य से उनका प्रैक्टिस है, नींद सोने का शयन आरती माँ के साथ में, मंगल आरती माँ के साथ में, वही सुलाएगी वही उठाएगी। उठते उनको कौन सा बाथरूम में जाना ना ब्रश करना होता था, उनका बेड ही सब कुछ है, बस वही उठ करके तुरंत धोए मैया ने उनको, तो स्तन पान करेंगे, वही करते थे, उनका प्रैक्टिस था। आज पहली बार कृष्ण ने भी देखा कि नींद खोला तो मैया नहीं पास में, मुंह मोड़ करके इधर उधर देखे कि इधर कुछ काम कर रही है, साउंड आ रहा है। और माँ जसमती ने बड़े ध्यान से दधी मंथन कर रही थी, उनका हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई थी, शंखा, आजकल तो शंखा भी पहनते नहीं, तो वो शंखा रुणझुण रुणझुण हाथ में बजता है, करताल करके साउंड उसमें आती है, और दही के ऊपर जो दही मंथन उसको चलाते टुब टुब टुब, जैसे दही के अंदर जब चलाते ना आप साउंड, आप लोग तो जानते ही नहीं, ये मशीन में करते होंगे तो कैसे जाने घर घर। तो जो साउंड, वो मृदंग के साउंड, वो करताल के साउंड, उसके साथ में वो शरीर उनका हिलता था, जो गभा में जुड़ा में जो मल्ली का पुष्प सब, वो पुष्प नीचे गिर रहा था, और माँ जसमती ने कृष्ण लीला गान कर रही थी, गीत गा रही थी, इतने तन्मय होकर के करताल ध्वनि मृदंग ध्वनि के साथ कीर्तन कर रही थी, कि लीला गान, कृष्ण लीला के गान कर रही थी। बीच बीच में मुंह मोड़ करके ऐसे देखती थी पीछे बेड के ऊपर, लाला सोया है कि उठा के तो नहीं, देखते हाँ सोया हुआ है, अब कुछ नहीं, थोड़ा और दो हाथ करने से माखन निकल जाएगा, सोया है अब कोई बात नहीं, जल्दी से निकालती है। तो इसे देखती थी बस, चिंता शून्य हो करके निश्चिंत में अब माखन। तो इसके बीच में लाला जग गए, जग गए, देखे कि मैया साथ में नहीं, इधर कुछ काम कर रहा है, तो उठ करके रोने लगे, माँ माँ बचा तो ही करेगा, लेकिन आज इतने पैर से जल्दी जल्दी दही निकालती, उनका रोने का आवाज़ उनके कान में आया ही नहीं, शब्द सुनाई नहीं पड़ा। तो बोले परेशान हो गए, मैं रो रहा हूँ, अलार्म भी सुनाई नहीं पड़ता उसको, दो तीन बार और वॉल्यूम बढ़ाए रोने का, और वॉल्यूम बढ़ाए, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी करती है कि टाइम हो रहा है, उठने से पहले मैं माखन पूरा निकाल दूँ, तो सुनी नहीं, अनअटेंडेड हो गए कृष्ण। उनको बुरा लगा, बोले आज के पहले दिन माँ साथ में नहीं है, अनअटेंडेड है, वो क्या करे सुनती नहीं। तो अकेले बहुत प्रयास करके फर्स्ट टाइम पलंग से नीचे उतरे, पेट के बल पर हाथ लगा करके डाउनलोड हुए, अब नीचे आए, आ करके नीचे उठे, नींद अभी पूरा नहीं हुआ, कच्चा नींद था, ऐसे ऐसे आँख मलते मलते टलते, ऐसे ढलते ढलते चलते चलते आ गए माँ के पास, आकर पकड़ लिए उनको, उनके साड़ी की साइड पकड़ लिए,
फिर मथारी दंड को पकड़ ली, बोले बंद करो उसको, नहीं चल मैं आ गया। फिर क्या, माँ ने देख लिया कि लाला आ चुका है, देख करके स्नेह अतिरेक के कारण बोला और तो अरे और थोड़े दो हाथ नहीं, दंड को पकड़ लिया। बोला ठीक है जितना हुआ हुआ, तू आ गया तो बैठ गई। माँ ने बैठ गई, उनको उठा करके गोद में ले लिया, तो कृष्ण अपने पोजीशन में आ गए गोद में, लिपट करके स्तनाग्र मुख में ले करके स्तनपान करने लगे, वो अपने चुप। तो माजा संत बोला ठीक है तुम दूध पीते रहो, मैं मेरा मक्खन निकाल देता हूँ। धीरे धीरे इसे इसे निकाल करके मक्खन निकाल करके पानी में डालते थे, निकाल देते, और वो अपने स्तनपान कर रहे थे। कभी कभी साड़ी के ओट में मुँह छिपा देते थे, कभी मुँह निकालते थे, ऐसे चलता था। कभी माँ अपने पुत्र के मुँह को देखता था, कभी वो उनके मुँह को देखते थे, ऐसे काम चलता। इतने में सामने में जो दूध आउट निकली, आउट करके रखा था गर्म करने के लिए रखा था, ये दूध भी चिन्मय है। वो सोचने लगे बोले देखो ये स्नेहमयी जननी, उनके दूध तो ब्रह्मांड के दूध भरा हुआ है, उनके अंदर इतने स्नेह उनका अंदर है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सारे दूध उनका अंदर भरा है, और भगवान के पेट में भी कोटि ब्रह्मांड भरा है। उनका कोई पेट भरेगा नहीं, उनका कोई दूध घटेगा भी नहीं, वो तो साल भर तक पीते रहे उनकी कमी नहीं, तो हमारा क्या होगा। हम तपस्या कर रहे हैं, कल शाम से सुबह तक गर्म हो रहे हैं, हमारा तो सेवा कुछ होगा ही नहीं, हमारा जीवन तो बेकार है, भगवत सेवा में लगे नहीं। तो इसलिए माँ के सामने मरे, सुसाइड करेंगे। कैसे सुसाइड करेंगे, रस्सी नहीं पैजर नहीं तो आग में जल के मरेंगे। तो इसलिए मैंने मटका से निकल करके आग में माँ के सामने मरने जा रहे थे, तो माँ ने देखा इन बेचारों को रक्षा करना चाहिए, मेरे दूध तो मेरे पास है, लाला तो हमारे साथ है, अभी नहीं तो दूध पी लेगा कुछ होगा, लेकिन इस दूध को रक्षा करना चाहिए। तो माँ ने दूध बचाने के लिए उठ करके जाना प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने कस करके पकड़े थे स्तनाग्र को मुंह से, और पैर में बिल्कुल उनके कमर को ऐसे चकड़ करके पकड़े थे प्लास की तरह, छोड़ नहीं देते, ना मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने अभी भी दूध पीना शुरू किया, मैं नहीं छोड़ूंगा, बट मैं और थोड़ा दूध पी लूँ। लेकिन माँ चलता नहीं, हट मैं इसको दूध बचाना चाहता हूँ। माँ और बेटा का टसल होने लगा, माँ उठ करके दूध बचाना चाहती और कृष्ण नहीं चाहते कि माँ उनको छोड़ करके जाए, वो बिल्कुल पैर को फोर्सफुली कमर में पकड़ कर रखे और दोनों स्तन को दो हाथ में पकड़ कर मुंह में ले करके बड़ी जोर से पूरी ताकत लगा करके पकड़ कर रखे। अभी 6 दिन का जब थे कृष्ण ने, पुतना दीदी आई थी और उनका बल 10,000 हाथियों के बल था उसके अंदर, 19 किलोमीटर का हाइट थी मैडम की, 10,000 हाथियों की बल थी, और वो उठा करके पलने से कृष्ण को, 6 दिन के थे जब स्तन में लगाया, कृष्ण के दांत भी नहीं उठा था, उष्टाग्र से ओठ में स्तनाग्र को दबाया और पुतना को लगा के मरी, मर गई। मैंने ये क्या है वो 6 दिन का छोटा सा बालक, इतने प्रेशर, प्राण खींचने लगे, छोड़ दो रे छोड़ दो रे, छुड़ाने के लिए पूरी 10,000 हाथियों के बल, 10,000 हॉर्स पावर नहीं, HP नहीं, EP एलिफेंट पावर। आप लोग गाड़ी मोटर तो सब हॉर्स पावर में चलता ना, कितने हॉर्स पावर के मोटर, कितने हॉर्स पावर की गाड़ी इंजन, लेकिन ये हॉर्स पावर से सुपरियर EP एलिफेंट पावर। ये 10,000 हाथियों के बल पुतना मैडम का, वो ये 6 दिन का शिशु को हटा करके अलग कर दे, कर नहीं पाई, हार गई, मर गई, चिल्ला चिल्ला के मर गई, छड़ा नहीं पाई। और वही जिनको पुतना ने छड़ा नहीं पाई, वो आज कम से कम 1.5 साल के 2 साल के हो चुके हैं, कितने बल उनका बढ़ चुका है, पूरी ताकत। तभी तो केवल ओष्टाग्र से दबाए थे, छुड़ा नहीं पा रहा था, अब तो ओष्टाग्र नहीं, दांत भी उठ चुका है, दांत भी लगा है, हाथ भी कस करके पकड़े, पैर में कस करके पकड़े, पूरी ताकत। और कौन जो 6 दिन में 10,000 हाथी रखने वाले पुतना मैडम को मार दिए थे तत्क्षणात, वो छुड़ा नहीं पाया, आज उन्होंने पकड़े हैं। और माँ जसमती बोले हट, मैं बोलता मुझे दूध बचाना है, नहीं हूँ हूँ करके नहीं नहीं छोड़ूंगा उनको करने लगे। माँ जसमती बोला मैं बोलता हूँ दूध बचाना है, बाद में पीना, नहीं, एक हाथ बाएं हाथ में, बाएं हाथ में खींच कर पटक कर पटक दिया था, बैठा दे नीचे, चल
कोई शक्ति काम नहीं किया। जिनको 10,000 हाथी के बल छुड़ा नहीं पाया था, आज उनको माँ जसोमती ने बाएं हाथ में खेल खेलते उठाकर पटक दिया, बैठे थे मैं दूध बचाने जा रहा हूँ, मुंह से दूध लगा हुआ है, होठ फड़फड़ कांपने लगा, लाल पड़ गई, इतनी इंसल्टेड, इतनी बड़ी अपमान। एक ही बेटा मुझे राजकुमार बोलते ही हैं, ब्रज राजकुमार, एक मटके के दूध की कीमत नहीं मेरा, उठा के पटक दिया, क्या हो गया हम इतने से, अब क्या करें, वहां तो पटक दिया उठा कर, यहां शक्ति नहीं चला, कुछ नहीं कर पाए, पूरी ताकत लगा करके मां के गोद में टीक नहीं पाए, मां बाहें से छीन कर उठा के पटक, बट इधर गुस्सा पटक कर उठकर चली गई दूध लखने के लिए। इतने अपमान सहन नहीं हुआ, ए टू मच, ये अपमान, असह्य अपमान को क्या किया जाए, याद करने लगे आज हो क्या गया मां को, कभी तो ऐसा नहीं हुआ था अभी तक, आज के दिन पहले क्यों हो रहा है, यही मटका बदमाश, इसी के वजह से आज सोते सोते मेरे पास भी नहीं था, कुछ आकर काम कर रहा था, ये मटका तूने मुझे माँ को अलग कर रहा है, ये मटके लोग सो बहुत बदमाश है, दूध को भी मटके के लोग खेलने जाते, ये भी दही के मटके दूध के मटके, गुस्से और माँ को तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो मटके के ऊपर क्रोध निकालने के लिए इधर उधर देखे कुछ मिला नहीं, और सील पीसने वाला लोढ़ा था ना उसको उठा कर बड़े प्रेशर के दो हाथ में उठा कर लगा के मार दिए, मटके को मार दिए तो मटके टूट गया, दही से बाहर आ गया, तो वो विश्वास नहीं किए थे मैं तो मटके को मारा दही को क्यों बाहर आ गए, ये समझ में नहीं आया। जो ज्ञान घन है, सचिद चिद मतलब ज्ञान, जो ज्ञान घन है, जो ज्ञान के शोर से, उनको नहीं समझ में आया मैं मटका को फोड़ा ये दही बाहर क्यों आ गया, ये उनको समझ में नहीं आया, डर गए, डर के मारे छिपना चाह रहे थे, दही तो फल गया था, उसके ऊपर में छप छप करके चल करके पीछे कमरे में चले गए, बोले यहाँ नहीं आएगा, तो घटनास्थल में है नहीं कोई, अपने आप को सोचे कि मैं आई एम सेफ नाउ, पीछे दरवाजा खोल दिए, बंदर लोग से अपेक्षा कर रहे थे दर्शन लेने के लिए, बंदर लोग अंदर आ गए, तो उनको माखन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो खल के ऊपर चढ़ करके सिक्का से माखन निकाल करके उन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, चिड़िया थे, बंदर थे, कुत्ते थे, सबको दे रहे थे फूड फॉर लाइफ, माखन फॉर लाइफ। तो मैया ने जल्दी से दूध को उतार करके बचाया, पीछे मोड़ करके देखा कि सारे घर दही फैला हुआ है, माखन फैला हुआ है, ऐसा कैसे हो गया, घर में तो तीसरा कोई थे नहीं, मैं ही था और लाला ही था, तीसरा कोई थे नहीं, मटका फड़ा हुआ है, दही माखन सब घर सारा फैला हुआ, अब कोई भी होंगे गुस्सा होगा कि नहीं, कितने मेहनत करके रात से उठ करके मैं कितने मेहनत से उनको मंथन किया था, माखन निकालने के निकाल ही लिया था, लगभग रखा था, क्या क्या था फोड़ फाड़ कर सब घर सारा फैला दिया, होगा ना कहीं गुस्सा, गुस्सा हुआ और महीने दिन का पहले दिन का जो गुस्सा स्ट्रक था वही सब निकला, क्यों कई महीने से डेली डेली कंप्लेन आता था, उसको याद किया, देखो ये सारे ग्वालिन गोपी ने मुझे कंप्लेन करते, मैं मानता नहीं था, देखो आप मेरे घर में ही शुरू कर दिया, फोड़ दिया मेरे मटका को, गया कहाँ भंडा फोड़, मटका फोड़ गया कहाँ, यहीं तो था खड़ा था, कहाँ चला गया, अब ढूंढने के लिए जब इधर उधर किए, नजर पड़ा कि बिल्कुल स्टाम्प लगा हुआ है सब दही के ऊपर, छोटी छोटी नन्हे नन्हे पैर के स्टाम्प लगा हुआ, बिल्कुल ढूंढना नहीं, यही गया, इधर ही गया, इतने बदमाश, मटका फोड़ करके भाग गया यहाँ से, इतनी उदम मचाते अपने घर में, जब मैं शासन नहीं करूँगा, अभी अभी तो 2 साल के हुआ नहीं, इतनी बदमाशी कर, आगे चलते डकैत के सरदार बनेगा, और मुझे बोलेंगे तू उनका माँ है, तू तेरे लड़का है, तू उनको कुछ सुबह बचपन से सिखाया नहीं, शासन नहीं किया, तो मेरा दोष होगा, इसीलिए शासन करने के लिए सिखाने के लिए हाथ में एक छड़ी ले करके कुरुत आ रहा था, लेकिन हंसी भी आ रहा था, देखो कैसे मटका फोड़कर भाग गया, मतलब इतने चतुर है, चालाक है, उनको पता है कि मैंने गलती किया, नहीं तो क्यों भाग कर जाता,
गुस्सा हुआ तो फोड़ दिया, तो वहीं खड़ा रहता, मतलब फोड़ दिया, उनको पता है कि मैं गलती किया, इसलिए तो भाग गया छिप के कहीं। तो मान हंस रहा था, मतलब छड़ी दिखाएगा, थोड़ा शासन का डरेगा, मारेगा पिटेगा नहीं है इसी भाव से। तो जाने का ढूंढने का परेशान, क्योंकि पद चिन्ह पड़ा हुआ है पीछे रूम में। जब देखा कि पीछे वाला रूम में गया, उनको ज़्यादा और डाउट हुआ, बोला कि मैं अभी तक जितने माखन निकाल करके दही दूध अभी इंद्र यज्ञ के लिए स्टॉक रखा हूँ, जितने ऋषि मुनि ब्राह्मण आएंगे उनको खिलाने के लिए, सब कुछ उठा कर देगा, यहाँ तो नष्ट किया क्या, उसको जा करके झूठा कर देगा, और भोग करने की किसी को प्रसाद उनके रहेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। इसलिए जल्दी से बोला कि उसको ना झूठा ना कर दे, उनको जाकर रोका जाए, इसलिए पीछे रूम में जाना चाहता था। भगवान सोच रहे थे, कृष्ण सोच रहे थे कि मैं तो पीछे घर में आ गया, अभी सेफ्ट, आई एम फुली सेफ। तो अपने बंदर को मक्खन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ मुँह में खा रहे थे, उनको भी दे रहे थे। मैया ने देखा, एक तो मटका फोड़ करके आया, यहाँ आकर के साधु बन करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, माखन खा रहा है मीठा। अब धीरे से पद दबाते धीरे धीरे चुप चुप करके छड़ी लेकर आ रहा था, भगवान को ध्यान नहीं था। जो बंदर लोग लेकर खा रहे थे वो चिल्ला कर भाग गए, खन खा कर भगवान हुआ कि एक ही से भाग गए, पीछे मोड़ कर देखे तो हाई अलर्ट सिचुएशन, माँ ने आ रहा है छिप छिप करके हाथ में, एक बार भय के मारे उखल से कूदे और भागे। इसको बोलते हैं जसोदा भयालु उखलाद धावमानम। जसोदा माँ के भय से, जसोदा के गोपी थी, गोपी के नाम ना लेकर के जसोदा बोलते हैं, क्योंकि आत्मीयता है, पुत्र माँ के और पुत्र के संबंध को बताते हुए जसोदा के नंदन जसोदा पुत्र है, इसलिए जसोदा के भय से डर से उखल के ऊपर खड़े थे, वहाँ से कूदे और भागने लगे। भागने क्यों लगे, ना मैंने चोरी किया हूँ मटका भी फोड़ा हूँ, दो गलती मैंने किया हूँ। चोरी क्यों किया, ना बिना पूछे माँ को माखन सिक्का से निकाल कर रहा था, ये है चोरी, और दूसरे दोष है मटका फोड़ी, डबल दोष है। तो इसी के कारण भय लगा था, भय के कारण कूद करके भाग रहे थे। माँ जसोमती तो ऐसे आ रहा था पकड़ो, तो देखा जब कूद कर भागने लगे, बोले सी टू मच, पकड़ना पड़ेगा उसको। तो इसलिए जसोदा भयाड़ू गोकुले भ्राजमानम परामृष्ट मृत्यंत अत्यंत धृत्य गुप्य। परामृष्ट, परामर्श मतलब पीछे से आमृष्ट पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया ना, धृत गोप्या, जितने तेज से भगवान दौड़ रहे थे उनके दौड़ने के तेज से और अपना स्पीड को और बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा करके जोर से भागने लगी, भाग करके उनको पकड़ ली पीछे से। वो पकड़ में नहीं आ रहा था, भाग रहे थे बहुत तेजी से, इधर उधर गोल गोल परेशान कर दिए, माँ को पसीना से लथपथ हो गई, कभी तक उनके लाइफ में इतने भागी नहीं थी जितने आज मॉर्निंग वॉक में, क्या मॉर्निंग जॉगिंग नहीं पूरा रनिंग सीधा रनिंग करा रहे थे, वो तो यंग थे भाग रहे थे, और माँ जैसे थोड़ा मोटी थी भाग रही थी बेचारी, पृथ्वी शरीर इतने परिश्रम थकाया। और माँ जसोमती गुस्सा आके बोला, ए खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बंदर है तूने, बंदर बंधु खड़ा हो जा, नहीं तो देखता लाठी फेंकूंगा तेरे पैर तोड़ दूंगा। ऐसे चिल्लाकर जब बोली, डर लगा, बोले सच में छड़ी ना फेंकेगी, पैर को देखने लगे, पैर में लगेगा शायद, तो खड़े हो गए, खड़े होकर रोने लगे। पहले तो डरे हुए थे, आतंक नेत्र था, केवल आँख डरे हुए लग रहा था, जैसे बिल्कुल भयभीत कोई है। क्यों भयभीत है, क्योंकि मानते हैं कि मैं कुछ गलती किया हूँ, मैं मटका फोड़ा हूँ, इसलिए मेरे दोष है, इस दोष के कारण डरे हुए हैं। स आतंक नेत्रम, डरे हुए आँख से भाग रहे थे। और जब माँ जसोमती ने धमकी दी, पर फेंकूंगी अभी, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो, भाग भाग और भागोगे, खड़े हो गए, भागना बंद कर दी डर के मारे, फिर रोने लगे। क्या न, पहले छड़ी फेंक दे, छड़ी फेंक दे। तो माँ ने इस अवसर पर दौड़कर पीछे से जाकर से पकड़ लिया, अत्यंत द्रुत गुप्या परामृष्टं। इस प्रकार उनको जाकर के पीछे से
पकड़ करके अब क्या करेंगे, अब क्या शो होगा, अब काल चर्चा करेंगे, अभी अष्टकम गा लेते हैं, है ना।